नमस्कार। मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का आंदोलन देश भर में शुरू किया है, उससे लगता यह है कि आने वाले दिनों में कृषि कानूनों को लेकर देश में एक संघर्ष, एक घमासान छिड़ सकता है, क्योंकि ये लड़ाई जो है मूल रूप से किसानों की है। पंजाब और हरियाणा जो कृषि प्रधान राज्य हैं, जिन्हें अन्न का कटोरा कहा जाता है भारत का, इन दोनों राज्यों में वहां की सियासत तक इस किसान आंदोलन से प्रभावित हो रही है, और ऐसे में विपक्षी राजनीतिक दलों का समर्थन जिस तरह इस आंदोलन को मिल रहा है, और केंद्र सरकार, मोदी सरकार जिस तरह इनको किसानों के समर्थन में इनको हितैषी इन कानूनों को बता रही है, उसके बाद साफ ये दिखाई देता है कि आने वाले दिनों में जो रार है, जो संघर्ष है, जो घमासान है, वो बहुत तेज हो सकता है। और ये जो स्थितियां हैं, इसमें सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या मोदी सरकार अपने कदम पीछे खींचेगी, या विपक्ष या किसान संगठन किसी तरह के समझौते के लिए आगे आएंगे। फिलहाल ऐसी कोई गुंजाइश नहीं दिखती। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉरपोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस ने जिस तरह देश भर में देशव्यापी आंदोलन किया हुआ है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया हुआ है किसानों के पक्ष में। यूथ कांग्रेस अलग प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के जो प्रकोष्ठ हैं, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी इस मसले पर खासी सक्रिय हैं। हमने देखा कि संसद में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा में, ज्यादा इस कानून को लेकर हंगामा हुआ, और विपक्ष के जो सदस्य हैं उन्होंने सरकार से कहा कि MSP की व्यवस्था का जो बात है उसे इन कानून में शामिल किया जाना चाहिए। इन कानूनों में किसानों को इसी बात का डर है कि MSP की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, सरकारी खरीद जिस तरह होती आई है, मंडियों की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, और मंडियों की व्यवस्था खत्म होने से एक आढ़तियों को, जो बहुत बड़ा एक तबका है आढ़तियों का जिन्हें रोजगार इस माध्यम से मिला हुआ है, वो भी इस आंदोलन में शरीक है, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि मंडियों की व्यवस्था खत्म होने से उनका रोजगार चला जाएगा। जबकि सरकार का, केंद्र सरकार का साफ कहना है कि ये जो कानून है, ये कानून किसानों को बिचौलियों से बचाने वाले हैं, उनका शोषण करने वालों से बचाने वाले हैं। ऐसे में इन कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। तो ये जो पूरे हालात हैं, ये संसद से लेकर सड़क तक पहुंचे, अब इनको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, अब ये कानून बन चुके हैं ये विधेयक। तो ये जो अब जो हालात बनेंगे आने वाले दिनों में, उसको लेकर जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, उनका अपना तर्क है, उनकी अपनी बातें हैं। उनका ये कहना है कि ये किसान, ये जो कानून है, ये काले कानून है, जैसे राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया और बहुत जोरदार भाषा में, कहा जाना चाहिए हमलावर होते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि इससे लगता है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, मर चुका है। तो इस तरह के हमलावर अंदाज कांग्रेस के हैं, और कांग्रेस किसानों के साथ अपने संगठन को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। लॉकडाउन आंशिक रूप से अभी देश में लागू है, और उसमें भी कांग्रेस ने काफी संख्या में प्रदर्शन किए हैं। वहीं दूसरी ओर BJP लगातार लोगों को ये बता रही है कि ये जो कानून है, ये कृषि, ये किसानों को बिचौलियों से आजादी दिलाने वाले हैं, उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने वाले हैं। तो इसको लेकर देश भर में सियासत गर्म है, और सवाल वही खड़ा होता है कि ये जो गतिरोध है, या ये जो घमासान है, ये किस तरह खत्म होगा। इसका खत्म होना जरूरी है, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में आंदोलन बढ़ता है, जैसा आज कर्नाटक में ठीक ठाक आंदोलन दिखाई दिया, हरियाणा पंजाब में आंदोलन चल ही रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, तो अगर इस तरह आंदोलन आगे बढ़ता गया और सरकार अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं हुई, तो उस स्थिति में, उस हालात में क्या रास्ता निकलेगा। क्योंकि अब कांग्रेस इस पर आगे बढ़ने की का काम कर रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्य सरकारों से इस बात को कहा है कि वो ऐसे कानूनी विकल्पों पर विचार करें जिससे केंद्र के इन कृषि कानूनों को नकारते हुए
राज्य की विधानसभा में, उनकी विधानसभा में कानून लाया जा सके। तो हमने देखा है कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी, विशेषकर अमरिंदर सिंह, इसे लेकर खासे मुखर हैं। और अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि कृषि कानूनों को लेकर भारत में जो सियासत है वो किस तरह आगे बढ़ती है, क्या ये आंदोलन और रफ्तार पकड़ते हैं। जैसा किसान संगठनों का कहना है कि उनका आंदोलन बंद नहीं होगा जब तक सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, यही कहना कांग्रेस का भी है और तमाम छोटे बड़े राजनीतिक दलों का भी है, और सरकार का वही कहना है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में सियासत किस करवट बैठेगी, कृषि कानूनों को लेकर क्या रुख रहेगा सरकार का, और जो अंत होना है, मतलब आंदोलन होंगे, सरकार अड़ी रहेगी, कहीं कोई मध्यस्थता का समझौता निकलेगा, कहीं सरकार क्या झुकेगी, कहीं राजनीतिक दल क्या झुकेंगे, क्या किसान सरकार की बातों को मानेंगे, ये देखने वाली बात होगी और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।